मोहन यादव इस पूरे मामले पर सख्त नजर आए। उन्होंने वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार को 24 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपने की बात कही है। आज सरकार का उच्च स्तरीय दल उमरिया पहुंचेगा। बता दें कि वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार के साथ अशोक वर्णवाल, असीम श्रीवास्तव जो दो अधिकारी हैं वो भी उमरिया पहुंचेंगे और सीएम ने निर्देश दिए हैं कि 24 घंटे के अंदर उन्हें जांच रिपोर्ट चाहिए। हाथियों की मौत कैसे हुई, लगातार इस पर जांच चल रही है। दिल्ली से भी एक टीम को बुलाया गया था लेकिन अब मुख्यमंत्री का कहना है कि उन्हें 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट चाहिए। आखिर हाथियों की मौत कैसे हुई, इसकी वजह मुख्यमंत्री जानना चाहते हैं। जांच के बाद मुख्यमंत्री को यह दल रिपोर्ट सौंपेगा। हाथियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में अभी वक्त लगेगा। ऐसे में मुख्यमंत्री का कहना है कि टीम पहुंचे और जांच कर बताए कि आखिर क्या कारण है कि 10 हाथियों की मौत हो जाती है। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं उमरिया। आज वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार जाएंगे दो अधिकारियों के साथ और 24 घंटे के अंदर सीएम को रिपोर्ट सौंपेंगे। चलिए रुक कर लेते हैं संवाददाता सनी का, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। सनी, जिस तरह से यह पूरा मामला सामने आया, लगातार सवाल यही उठ रहा है, कल कोदो कुटकी की फसल को वहां वन विभाग नष्ट करवा रहा था, ये आशंका जताई जा रही थी जहरीला पदार्थ खिलाया गया, तमाम ऐसे तथ्य सामने आए हैं लेकिन अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर हाथियों की मौत कैसे हुई और अब ऐसे में सीएम सख्त है। जी निश्चित तौर पे शुभांगी, जिस प्रकार से जो मामला सामने आया, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व क्षेत्र में 10 हाथियों की मौत के मामले को लेकर मध्य प्रदेश के लेकर उमरिया तक जो है हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले को लेकर अब सरकार ने जो है उच्च स्तरीय जांच दल का जो कमेटी है वो गठित कर दिया। आज जो जांच दल है वो उमरिया पहुंचेगा जिसमें राज्य वन मंत्री दिलीप अहिरवार और जो फॉरेस्ट के अधिकारी है वो भी मौजूद रहेंगे और 24 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को ये जांच रिपोर्ट उनको सौंपना पड़ेगी। हालांकि आपको ये बता दें कि ये पूरा मामला जो है बिल्कुल जो है मामले को लेकर जो है हड़कंप मचा हुआ है, इसको लेकर जो है पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही जो है मामले का खुलासा हो तो हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो इस मामले को लेकर जो है सियासत भी काफी देखने को मिल रही है। बीजेपी और कांग्रेस लगातार जो है बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी इस मामले को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने क्या है कि जो वन मंत्री है वो बिल्कुल प्रचार में व्यस्त है और इस मामले को लेकर सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए और आगे कार्रवाई करना चाहिए। अब देखना होगा जांच रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है और मुख्यमंत्री को जो जांच दल पहुंचेगा क्या रिपोर्ट देता है। जी बिल्कुल सही कहा सनी, देखना होगा कि अब जांच रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है क्योंकि आशंकाओं पर देखिए मामले नहीं सुलझते हैं और जिस तरह से हाथियों की मौत हुई, बड़ी लापरवाही वन विभाग की भी इसे कहेंगे और ऐसे में जानना बहुत जरूरी है कि आखिर हाथियों के साथ क्या हुआ। तो बहुत शुक्रिया आपका सनी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए उमरिया अब सरकार का उच्च स्तरीय दल पहुंचेगा, 24 घंटे का वक्त दिया है सीएम मोहन यादव ने, 24 घंटे के अंदर उन्हें जांच रिपोर्ट चाहिए। वन राज्य मंत्री के साथ दो अधिकारी भी जाएंगे और ये पता लगाएंगे कि आखिर उमरिया में हाथियों के साथ क्या हुआ।